दोस्तों, आपका स्वागत है आयत एंड आयत इंटरप्राइजेस में। मेरे नाम है फ़हीम अंसारी। तो अभी हम लोग जो खड़े एक फार्म हाउस पे, जहाँ पे हम लोग हैं वाहुली में बाजू में यहाँ पे मस्जिद भी है, जो कि एकदम ये कंपाउंड से थोड़ा सी आगे जाएंगे तो बाकी मस्जिद है। और यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी है। इस फार्म हाउस के अंदर तीन तीन बोरिंग की हुई है, ताकि कभी पानी कभी ऐसा लगे नहीं कम पड़ रहे हो। और आपके सामने खिलखिलाते हुए फूल नज़र आ रहे होंगे। ये फार्म हाउस बहुत अच्छा फार्म हाउस है, और इन्होंने कुछ 86 लैक्स जो मांगा है फार्म हाउस का, 10 घंटे के अंदर ये फार्म हाउस है। और मैं अभी दिखाता हूँ, ये फार्म हाउस पूरा रेडी है। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे जो है फार्म हाउस दिख रहा होगा आपको। ये अजान भी हो रही है, ये मस्जिद है बिल्कुल बाजू में। तो दोस्तों, यहाँ पे टोटल सिर्फ और सिर्फ फार्म हाउस ज़्यादा है। तो मैं अभी दिखाता हूँ ये फार्म हाउस की थोड़ा सा वीडियो। ये देखिए, ये गेट है, ये पूरा का पूरा गेट और वॉल कंपाउंड, चारों बाजू से वॉल कंपाउंड किया हुआ है, टेल लाइट वगैरह लगाया हुआ है, झाड़ फूल सब जगह लगे हुए। ये रास्ता दिया है अंदर जाने के लिए एंट्रेंस में, मेरी कार खड़ी हुई है, ये पूरा रास्ता है आपके सामने। ये सामने सामने बंगले दिए हुए, ठीक है। ये सामने देखो मस्जिद दिख रही होगी, ये देखो मस्जिद है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो है ना, इस वक्त अभी हम लोग चलेंगे फार्म हाउस के अंदर। ये अली फार्म हाउस है, अगर आपको चाहिए तो अली फार्म हाउस भाई के अंदर आप आके ये विजिट करके देख सकते हो। फार्म हाउस बेचना है, 86 लाख रुपए इनका कोटिंग है कि 86 लाख रुपए में ये पूरा रेडी टू फार्म हाउस है। मैं आपको लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये अंदर एंट्रेंस मैंने जैसे ही मारा, ये बाजू में फूल ये जो लगाए हुए हैं इन्होंने बहुत देखभाल किया। ये झाड़ है नारियल का, और ये बाजू भी नारियल का झाड़ है। ये देखिए, ये पूरे झूले लगाए हुए हैं इसके अंदर कंपाउंड के अंदर। ये देखो पूरे के पूरे झूले लगाए हुए गेट। अभी हम लोग अंदर जाएंगे गार्डनिंग के अंदर। पेरू इसके अंदर बहुत आते हैं, बहुत पेरू आते हैं। ये फूल लगे हुए, ये देखो पूरा क्लीन किया हुआ है, पानी का लगाया हुआ है। ये देखो, पहले हम लोग गार्डनिंग देख लेते हैं। ये देखिए, बच्चे लोगों के लिए गार्डनिंग का किया हुआ है। ये देखो पूरा बच्चे लोगों के लिए खेलने के लिए गार्डन है। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि बाप रे बाप, ये देखो मैं फल खा रहा हूँ। ये देखो, ये पेरू है, और ये क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं उसको मालूम नहीं, आंवले के जैसा है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारे फल लगे हुए। मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, चिक्कू। ये देखो चिक्कू, देखो चिक्कू, चिक्कू के झाड़ देखो इतने सारे। अरे ये ऊपर चढ़ा हुआ है, क्या निकाल रहा है भाई तू? पेरू निकाल रहा है, ये इधर से पेरू निकाल रहा है। ये चिक्कू देखो कितने सारे आए। और यहाँ पे ये नस्पति क्या बोलते हैं उसको, पेर, ये पेर का झाड़ है। और ये वापिस से चिक्कू का झाड़ है, देखो चिक्कू का झाड़ है। ये डाली में देखो इधर पे भाई, पेड़ू देखो, ये कितने सारे चिक्कू आए। ये देखो चिक्कू, आधे फल के पैसे तो यहीं से वसूल होने के। इधर का गार्डन ये किया हुआ है, और फिर बाद में आपका दिल खुश हो जाएगा, कहीं रहने की जगह हो तो कुछ इस तरीके से। और ये फार्म हाउस देखिए कितना खूबसूरत है। ये देखिए, ये बच्चा झूल भी रहा है यहाँ पे, और ये पूरे झूले ये लगे हुए रहते हैं यहाँ पे। ये पूरा पूरा गार्डन है, ये देखिए, ये गार्डन स्पेसेस है। ये पूरा का पूरा रास्ता, ये सामने घर दिख रहा होगा आपको, अभी मैं घर की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पे तीन बोरिंग है, पेरू की बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही क्योंकि पेरू के झाड़ लगे हुए हैं। ये आपको मैं दिखा दूँ, ये देखो, ये पूरा ये एक डेकोरेशन किया हुआ है, जो झाड़ लटक रहे ये डेकोरेशन है, ठीक है। बेल लगाई हुई है पूरी इसके अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी अंदर की तरफ हम लोग चल रहे हैं, चारों बाजू कंपाउंड ही कंपाउंड है। ये देखो, ये पूरा का पूरा एरिया है। ये बाजू में जो आप देख रहे हो, इसमें टॉयलेट बाथरूम दिया हुआ है, ये गेस्ट रूम है। ये पूरा स्पेस देखिए, बैठने के लिए स्पेस बनाया है। मैं बताते बताते थक जाऊंगा दोस्तों, इतना बेहतरीन बनाया है इन्होंने। ये सामने घर दिख रहा होगा आपको, ये घर है फार्म, मतलब यहाँ पे आप आके रह सकते हो, स्टे कर सकते हो। पूरा लॉकडाउन इन्होंने यहीं पर निकाला फार्म हाउस पर। तो अभी हम लोग जो है चलते हैं कुछ घर के अंदर। बच्चे लोगों का झूला वगैरह आपने देख लिया, यहाँ से कितना मस्त लग रहा है। और 86 लाख रुपए इस चीज़ के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत बेहतरीन प्राइस मांगा है इन्होंने, 86 लाख्स। क्योंकि ये देखो पूरा काम इसके अंदर से टकाटक काम किया हुआ है। ये देखिए, अभी हम लोग चलेंगे अंदर। ये देखो, ये पूरा घर है, टाइल्स वगैरह लगा करके ऊपर पतरा उतरा करके। ये देखो, यहाँ पे स्पेस दिया है इन्होंने ताकि उठने बैठने को, और झाड़ लगाए वो झाड़ भीड़ लगा करके। ये देखो यहाँ पे पूरा हाजा मिन फजल रब्बी लिखा है, ये पूरा। अभी हम लोग जो है अंदर की तरफ एंट्री मारेंगे। ये देखो, ये जो है पहला हॉल इन्होंने रखा है, एक हॉल है। उसके बाद ये ऊपर पीयूपी कर दिया है, पंखा वंखा सब चालू है, बोरिंग वगैरह है इसके अंदर, कलर वगैरह कंप्लीट है।
ये हम लोग अभी अंदर चलते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो ये हॉल है, वो वहाँ से एंट्री है, लेकिन मैं ये साइड से आया हूँ। तो ये कैसे बेडरूम के साइड से किया है, ये हॉल है पूरा, डाइनिंग टेबल वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखो ये पूरा पीओपी किया हुआ है घर के अंदर। ये फिर उसके बाद में ये हम लोग एंट्री कर रहे हैं अंदर, ये किचन है। ये पूरा किचन देखिए आपके सामने दिखेगा, ये पूरा किचन प्लेटफॉर्म है और ऊपर भी सेल्फ लगाया है। किचन के अंदर भी पीओपी बेहतरीन तरीके से किया है, टेक्चर किया है इन्होंने, फ्रिज वगैरह रखा हुआ है। और ये देखो ये टॉयलेट बाथरूम है आपके सामने, ये आमने सामने जो है टॉयलेट बाथरूम रखा है। ये देखिए ये बाथरूम है, इसमें इंग्लिश कमोड लगाया हुआ है इन्होंने। ये पूरा ये देखो फुल टाइल्स है, ऊपर भी पीओपी किया हुआ है और यहाँ पे गीजर वगैरह के साथ में देंगे, ये पूरा कंप्लीट ठीक है। और ये इंडियन भी यहाँ पे दिया हुआ है ताकि कोई आए तो इंडियन में भी इस्तेमाल कर सकता है। तो अभी हम लोग थे हॉल में, अभी हम लोग चलेंगे। ये दो बेडरूम है अगर देखा जाए तो, यहाँ से हॉल में आने के बाद एक ये बेडरूम के अंदर एंट्री करने के बाद में, ये देखिए ये एसी वगैरह लगा के ये पूरा बेडरूम है। ये देखिए बेहतरीन बेडरूम है, पैसे का इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत बेहतरीन है, ताकि आने वाले टाइम में इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। अभी मैं पीछे लेके चलता हूँ जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो ये दिखा रहा हूँ, ये देखो पीछे का जो देख रहे हो, ये पीछे का मतलब ये बेडरूम में से अगर आप एंट्रेंस पीछे की तरफ जाते हो तो पीछे की तरफ जा सकते हो। ये देखो ये पीछे की तरफ है, ये पीछे भी इन्होंने वॉश बेसिन वगैरह लगा के रखा है, ये पीछे कनेक्शन किया है। और ये ओपन स्पेसेस है, कोई बाहर बैठना चाहे, एसी भी चालू है आपके सामने दिख रहा होगा, एसी भी चालू है। ये ऊपर टाकी भी रखी हुई है पानी की, ये बोरिंग का कनेक्शन यहाँ पे तीन तीन कनेक्शन दिया हुआ है। मैं पूरा एरिया जो है पूरा गार्डनिंग दिखाया मैं आपको, ये पूरा का पूरा एरिया पूरा क्लीन करके रखा है, पूरा पेरू का झाड़ वगैरह है ये एरिया के अंदर। ये पूरा कंपाउंड वॉल कंपाउंड सब जगह दिया है। और कौन कौन से झाड़ है यहाँ पे, दालचीनी, नींबू है, कलकत्ता का नींबू भी है और फिर पेरू का झाड़ है। बहुत बेहतरीन आप देख रहे होंगे गार्डन के अंदर। ये देखो ये आम भी, आम के भी आ गए। हाँ ये देखो ये नींबू भी आना चालू हो चुके हैं। ये देखो नींबू भी आना चालू हो गए, ये पूरे झाड़ लगे हुए, कड़ी पत्ते के भी झाड़ है। ये कड़ी पत्ता है ना, ये क्या है, कड़ी पत्ता। ये देखो कड़ी पत्ते का झाड़ है, ये देखो इतना बड़ा कड़ी पत्ते, नारियल वेरियल का झाड़ है। तो ये देखो गार्डन कितने अच्छे तरीके से रचाया हुआ गार्डन है आपके सामने। ये राम फल भी है, देखो राम फल भी आ गया यहाँ पे, फल फल आना चालू हो गया। ये देखो इसका नाम सुनेंगे दोस्तों आपने राम फल, ये बहुत, ये देखो फल भी आ गए। ये देखो तो ये जो है आपके सामने, और अभी कुछ हमारे कस्टमर झूला झूल रहे, चुपके से वीडियो निकालेंगे हम। तो ये देखो 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 वीडियो मत बनाओ बोल रहे, सुने सुने आपने आवाज़ सुने होंगे। तो ये देखो दोस्तों ये गार्डनिंग है, आप लोग ये फार्म हाउस ले सकते हैं। ये 86 लाख रुपए में जो है इन्होंने मांगा है, 86 लाख रुपीज़। और आपको यहाँ पे आने के बाद आप कांटेक्ट करेंगे तो ये पूरा जो एरिया आपको देखने मिलेगा यहाँ पे, ये 10 गुंठे का है। कितना गुंठा टोटल, 10 गुंठा है ना, एक्यूरेट 10 गुंठा है आपको, 10 गुंठा है ये पूरा बाउंड्री कंपाउंड जितना भी सब चीज़ टोटल कंप्लीट करके 86 लाख में आपको मिल रहा है। खाली आपको बस पेपर वर्किंग का खर्चा पे करना है, बाकी ये बोरिंग, तीन बोरिंग है यहाँ पे, सबके साथ में आपको दिया जा रहा है ये। तो ये मैं आपको एक चीज़ जो बोला ना, एक चीज़ दिखाना बाकी रह गया था, जो बाथरूम वगैरह दिखाया था मैंने आपको, वो अगर आपके बाहर से कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो मैंने बोला गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम के लिए ये ओपन स्पेसेस काफ़ी है, काफ़ी ओपन स्पेसेस है। तो वो बाथरूम और यहाँ पे कैसे गेस्ट आ गए, कभी बेडरूम में नहीं रुकना हो, कोई आया दोस्त यार आए आपके, तो बाहर के बाहर रुक करके फैमिली को ना मिलते हुए यहाँ से जा सकते हैं। तो मैं आपको दिखा जो है पूरा बाथरूम है, पूरा बाथरूम है। ये देखो ये भी इंग्लिश टॉयलेट वगैरह, इसमें भी पूरा कंप्लीट किया हुआ है, गीजर वगैरह सब लगाया हुआ है। यहाँ पे बोरिंग का पैनल दिया हुआ है, पानी बहुत आता है, तंदूरी बनाने का रहेगा तो सब। अच्छा ये सब छोड़ देंगे, तंदूरी बनाने का है। और देखो पूरा फार्म हाउस के लिए देखो तंदूरी बनाने के लिए भी सिस्टम रखा हुआ है, ये गेस्ट के लिए किया हुआ है, सामान रखा हुआ है, अभी कुछ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है इसके लिए। तो दोस्तों जल्दी कॉल कीजिए फार्म हाउस के लिए, ये फार्म हाउस आपका हो सकता है। और हमारे इस वीडियो को देख करके दूसरों तक शेयर कीजिए, ना जाने किसका ये फार्म हाउस बने।
तो हमारे इस वीडियो को देख करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा ये वीडियो देखने के लिए।